Hello everyone. Hi, this is Mitali. Welcome back to evidyarthi.in. So, कैसे हैं आप लोग और कैसा लग रहा है आपको ये चैप्टर? हमने इससे पहले अपने बहुत सारे थ्योरम्स को और क्वेश्चंस को डिस्कस किया है. Now we are going to discuss the examples of this chapter. So, I hope you have liked this chapter. Now we are proceeding with the examples. So, let's see. We are on page number 113, example number 1. ठीक है? तो हम कोशिश करेंगे ये भी एग्जांपल्स हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो. अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कॉन्ग्रेंट कैसे दिखाने हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो इन द फिगर, अगेन फिगर पे ध्यान देते हैं. वी हैव ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी. सो वी हैव टू साइड्स जो हमें इक्वल गिवन है ऑलरेडी. ठीक है, सो काफी काम हमारा हल हो जाएगा. ओ ए मुझे दिख रहा है यहाँ पे, साइन भी हमने लगाया हुआ है कि ओ ए इक्वल है ओ सी की. सिमिलरली ओ डी इज इक्वल्स टू ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी. सो क्या हमने यहाँ पे सही लिया है? ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी होना चाहिए, शुड बी. ये वाला जो साइड है वो हमारे ओ सी की इक्वल है एंड ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी, यहाँ पर ओ बी होना चाहिए. ठीक है, सो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है. नाउ वी हैव टू शो दैट ट्राइंगल एओडी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बीओसी. सो एओडी कौन सा है? ये वाला ट्राइंगल हमें अपने दूसरे अबव ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट दिखाना है. ठीक है, एंड द सेकेंड पार्ट ऑल्सो वी नीड टू शो कि हमारी जो दोनों साइड्स है एडी इज पैरेलल टू बीसी. सो पैरेलल दिखाने पे तो हम बाद में आएंगे, सबसे पहले हमें क्योंकि कॉन्ग्रेंसी दिखाना है, मेन हमारा फोकस इस चैप्टर में उसी पे है. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू कंसिडर बोथ दी एग्जाम्पल, बोथ दी ट्राइंगल. सो हमारे पास कौन से दोनों ट्राइंगल्स हैं इन पिक्चर? ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी. ठीक है, सो ये हमने दोनों अपने ट्राइंगल्स देखे. अब हमें ज्यादातर इसमें सब कुछ गिवन है. क्या गिवन है? सबसे पहले तो ये हमें पता है कि ए ओ जो है आपके ओ सी के इक्वल है. ठीक है, सो ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी. और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो हमें, अच्छा इन्होंने एओ नहीं ओ ए करके दिया है, तो आप ऐसे ही लिख सकते हो जिससे आपको कोई ऐसा कंफ्यूजन ना हो कि मैम आपने ऑर्डर चेंज कर दिया है, तो ये गलत ना हो. ठीक है, सो हमने ओ ए इक्वल्स टू ओ सी दिखा दिया है सबसे पहले, उसके बाद वी हैव ओ डी. ठीक है, सो ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन में कि हमारा जो ओ डी है वो ओ बी के इक्वल है. सो इसका जो हम एक पर्टिकुलर रीजन देने वाले हैं, दोनों ही अपने जो हमने इक्वल दिखाए हैं वो हम क्या लिखेंगे कि दिस इज गिवन टू अस. ठीक है, उसके बाद प्रोसीड करते हैं अपने थर्ड रीजन के साथ. सो नाउ आप ये देख सकते हो कि दोनों ये जो ओ पे हमारे दोनों साइड्स पे एंगल बन रहे हैं, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंड हेंस दे आर इक्वल. ठीक है, सो व्हाट वी कैन राइट, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी. ठीक है, मैं दोनों ही एंगल्स को इक्वल दिखा सकती हूँ बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने थ्री रीजंस हमें मिल गए हैं टू शो बोथ दी ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. सो व्हाट आर दोस? एक हमारी साइड आई, फिर हमारा एक एंगल आया, फिर हमारी एक साइड आई. यानी कि साइड एंगल, साइड के क्राइटेरिया से मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ इन दी एंड कि हमारा जो ट्राइंगल कौन कौन से हैं, ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ सी बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया. ठीक है, सो हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग कि किस तरीके से हमने कैसे लेना होता है ऑर्डर? बड़ा जरूरी है इसमें हमें ध्यान रखना कि सबसे पहले एक साइड, फिर एक एंगल, फिर एक साइड. ठीक है, सो दो साइड्स के बीच में एक एंगल आ रहा है, दैट इज वाई हमने कौन सा क्राइटेरिया लिया है, साइड एंगल साइड से हम ये शो कर पाए कि हमारे दोनों जो गिवन ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रेंट है. ठीक है, सो हमने अपना फर्स्ट पार्ट तो शो कर दिया. नाउ इफ यू वॉन्ट टू प्रोसीड टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिखाना है, वी नीड टू शो कि हमारी जो दोनों लाइन्स है दे आर पैरेलल, मतलब कि ये इस तरीके से पैरेलल है. ठीक है, सो नाउ लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट. ठीक है, अब आप खुद सोचो इसमें कि अगर हमें इसे पैरेलल दिखाना है तो हम क्या कंसीडर करके चल सकते हैं और क्या इसमें से हमारा पॉसिबल रीजन बन सकता है. ठीक है, अभी तक हम क्या दिखा चुके हैं अपने फर्स्ट पार्ट में, उसी को हमें इसके लिए इस
इस्तेमाल करना है। सो हम अपने फर्स्ट पार्ट में ये दिखा चुके हैं, अब मैं आपको सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट को ऐसे प्रोसीड करेंगे। हमें पता है सिंस ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रेंट, वो कॉन्ग्रेंट है कौन से ट्राइंगल के, बी ओ सी के कॉन्ग्रेंट है बाय एस एस, ये भी हम निकाल चुके हैं, ठीक है। इफ यू वॉन्ट टू मेंशन इट अगेन सो आप कर सकते हो, अदरवाइज देयर इज नो नीड। सो हमें पता है कि दोनों ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रेंट है, सो इसके लिए हम क्या इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे जो एंगल्स हैं, कौन से एंगल्स मैं इक्वल दिखा सकती हूँ। एक्चुअल में कोई भी दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट है तो उसका हर एंगल हर साइड एक दूसरे के इक्वल होगी, यही हमें सिखाता है सीपीसीटी का रूल। क्या है कहता है सीपीसीटी, दैट कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, है ना। सो इस वजह से मैं ये बोल सकती हूँ कि इसके सभी एंगल्स आपस में इक्वल हो गए हैं। सो मुझे कौन से दो एंगल्स चाहिए ये बात आती है। सो लेट्स सी, अगर मैं ये वाला एक एंगल और इस वाले एंगल को लेके चलती हूँ, सो यहाँ पर ये दोनों ऑल्टरनेट पेयर फॉर्म कर रहे हैं, प्लस मैं ये कह सकती हूँ कि दोनों एंगल का जो भी डिग्री मेजर होगा वो इक्वल होगा, क्यों, बाय सीपीसीटी, राइट। तो क्योंकि वो ऑल्टरनेट है प्लस वो इक्वल आ गए हैं, दैट मींस यही हमने अपने लाइंस एंड एंगल्स के थ्योरम्स में पढ़ा था कि अगर हमारे पास ऑल्टरनेट पेयर है और वो इक्वल है, दैट मींस कि जिस भी लाइन के थ्रू वो बने हैं, साइड्स के थ्रू बने हैं, वो दोनों साइड्स क्या होंगी, आपस में पैरेलल हो जाएंगी, है ना। सो बस वही हमें लिखना है, ठीक है। सो हमने लिखा है कि हमारे जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रेंट है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ओ ए डी, चलो ऐसे लिखते हैं, एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल कौन सा होगा, बी सी ओ, ठीक है, बी सी ओ वाई वाई सी पी सी टी, कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है। आप चाहते हो तो पूरा लिख सकते हो, नहीं तो अगर सीपीसीटी भी लिखोगे तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। सो अगर हमने ये इक्वल दिखा दिए, ऑल्सो एंगल ओ ए डी एंड एंगल बी सी ओ आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, आर अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, वो दोनों इक्वल भी है, वो दोनों इक्वल भी है, ऑल्सो दे आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, सो हेंस या फिर देयरफॉर वी कैन इम्प्लाई कि हमारी जो साइड है कौन सी, ए डी इज पैरेलल टू साइड बी सी, ठीक है, क्योंकि हमने वो ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल दिखा दिया है। तो बस जब भी हमें ये क्राइटेरिया सेट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा, हम डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी जो दोनों साइड्स है जो भी हमने ली है अपनी पिक्चर में वो क्या है, पैरेलल होंगी, ठीक है। सो आई होप यू हैव लाइक्ड दिस क्वेश्चन आल्सो एंड यू हैव अंडरस्टूड इट। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट एग्जांपल, अप टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।